doing. I hope sab log amazing hai, great hai. I am great. I am Nandini. And today we are going to do Hindu analysis and going to study some more news. 30th November आज हम कवर करने वाले हैं. Let's look at the news. Best news कवर हो रही है. You can share amongst your friends. Very important for all the law entrance exam aspirants and for all the aspirants जिनको GK की बहुत ज्यादा जरूरत है. सब कुछ यहाँ पर कवर हो रहा होगा. Let's start with today's class. चलो पहले न्यूज देख लेते हैं. पार्लियामेंट ने फार्म लॉस क्लियर कर दिए हैं. कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कोई डिबेट नहीं हुआ. आई डोंट नो व्हाट इज सो रॉन्ग. जब ये पास हुए थे तब भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ था. यही क्रिटिसिज्म मिला था. कोई डिस्कशन नहीं करने दिया, कोई बात नहीं करने दी, कोई डिबेट नहीं करने दिया. बल्कि तभी तो आजकल क्या हो रहा है, सीजीआई जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना जी क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, पार्लियामेंट कुछ डिस्कशन ही नहीं करती है. हर लॉ बनने से पहले देयर शुड बी एन इमेंस डिस्कशन, डीप डिस्कशन, डीप बातें होनी चाहिए. हर चीज की रूल्स तक जाना चाहिए. बट आजकल तो हवा हवा में ही बिल पास हो रहे हैं. तो उन्होंने क्या बोला, पार्लियामेंट ने क्लियर कर दिया फार्म लॉ बिल एंड ये रिपील बिल, फार्म लॉज रिपील बिल विदाउट अ डिबेट. ठीक है, नाम क्या है, फार्म लॉज रिपील बिल 2021 नाम है. पास हो गया है दोनों हाउसेस से, लोकसभा एंड राज्यसभा. डिबेट नहीं हुई है एमिड प्रोटेस्ट. बहुत प्रोटेस्ट हो रहे थे बाय ऑपोजिशन एमपीज, किसको डिस्कशन करो, डिबेट करो, बिकॉज दे वांटेड टू टॉक अबाउट एमएसपी लॉ, दे वांटेड टू टॉक अबाउट एंटी CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के ऊपर बात करते, बहुत चीजों के ऊपर बात ये लोग करना चाह रहे थे. बट ये नहीं हो पाई बात, विदाउट एनी डिस्कशन भी पास कर दिया गया है. ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द विंटर सेशन एज एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में किसको लिस्ट किया था, फार्म लॉज रिपील बिल को किया था. राइट, 2021 फॉर टेकिंग बैक, दे वॉन्ट टू टेक बैक, दे डोंट वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट द थ्री contentious. Contentious का मतलब होता है जो कि बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड फार्म लॉस थे. कितने प्रोटेस्ट चल रहे थे ना, कितने लोगों की डेथ भी हुई वाइल दे वर प्रोटेस्टिंग. लाठी चार्ज हो गया या फिर कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो गया बेसिकली. सो कंटेंशियस फार्म लॉस, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स नाम है ये. नाम एक बार याद करो, पता होना चाहिए. दे कैन आस्क यू कि ऐसे कौन कौन से फार्म बिल्स थे जो रिपील हो गए हैं. बट अब जब रिपील हो गए हैं तो इतने ज्यादा रेलिवेंस नहीं होती है कि कौन कौन से फार्म लॉस थे. वैसे कंटेंशियस फार्म लॉस, डिस्प्यूटेड फार्म लॉस कौन कौन से थे, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन था. एक्ट 2020 एक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो पास हो गए थे, प्रेसिडेंट असेंट मिल गया था, बिल नहीं था, बिल अब एक्ट में चेंज हो गया था. फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 एंड एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020. ये तीनों कंटेंशियस डिस्प्यूटेड इन डिस्प्यूट थे ये फार्म लॉस जो कि रिपील हो गए हैं. बट ये क्लियर नहीं हुआ कि कोई डिबेट अलाउ नहीं करी है, बस सिंपल पास कर दिया है कि ये फार्म लॉस रिपील हो गए हैं. तभी ऑपोजिशन क्या कह रहा है, कांग्रेस क्या बोल रही है, ऑपोजिशन पार्टीज कह रही है कि बीजेपी डजंट वांट टू फेस अस, डजंट वांट टू फेस आवर क्वेश्चंस. तब ये डिबेट नहीं हुई है. राइट, चलो नेक्स्ट देखो. वाराणसी में फर्स्ट इंडियन सिटी बन गई है. वाराणसी हैज बिकम फर्स्ट इंडियन सिटी. आपको पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पता होनी जरूरी है. उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी उत्तर प्रदेश है. राइट, ही एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो रहा है. क्या फर्स्ट इंडियन सिटी है जो स्टार्ट करी है रोपवे सर्विसेज एंड इट विल एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. जैसी जो सर्विसेज ये होती है, जो ट्रॉली चलती है ना ऐसे, आप लोग देखते हो मोस्टली हिल स्टेशन पर. अब वाराणसी में भी चलेंगी, कुछ 3 point something किलोमीटर के लिए चलेगी एंड 15 मिनट की जर्नी रहेगी. मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह यूज हो रहा है. और ऐसे क्यों यूज हो रहा है, बिकॉज दे वॉन्ट टू लेसन द ट्रैफिक कंजेशन. कंजेशन कम होना चाहिए, इस वजह से ये वाराणसी में इंट्रोड्यूस किया है रोपवे सर्विसेज. मूविंग ऑन, द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे आस्क्ड द सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला क्लियर द एयर. क्लियर द एयर का मतलब क्या होता है, क्लियर द एयर इज एन इडियम. इसका मतलब होता है मेक पीस, शांति से रहो, एलिमिनेट एनी कंफ्यूजन, गेट रिड ऑफ एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट्स, एनी टेंशन, हर चीज क्लियर कर दो. मेक पीस, मेक हार्मनी, एक हार्मनी सिचुएशन, ब्रिंग हार्मनी. सो क्लियर द एयर मीन्स मेक पीस, हार्मनी रखो, कोई डिस्कॉर्ड ना हो. ऑन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन एरियाज फॉलिंग विद इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन मीन्स इन इट्स लिमिट, within an ambit, within its scope, in the capital amid a clamor. Clamor क्या होता है, clamor is din, clamor is racket. अब ये कह दिया ना मैम, आपने तो और complex बना दिया clamor को. clamor का मतलब होता है basically loud noise, जो कि बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है ना, that is clamor. ठीक है, loud noise, confusing noise,
din, racket and babble. Babble is one word. तो ये सब क्यामर होते हैं, confusion, right? फिर क्यामर इन कोड दैट इज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में तुम्हारे साथ कल बहुत ज्यादा डिस्कस किया था, 20,000 crore वाला बहुत महंगा प्रोजेक्ट है ये. दिस वॉज प्रोसीडिंग फुल स्टीम. फुल स्टीम क्या होता है? फुल स्टीम मीन्स फुल एनर्जी के साथ चल रहा है, कुछ भी रुका नहीं है. 1 week का लॉकडाउन लगाया गया था न्यू दिल्ली में, इन दिल्ली बेसिकली, इसलिए लगाया गया था जिससे कि पॉल्यूशन की सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल हो जाए. बट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रुका नहीं, फुल ऑन चलता जा रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चलती जा रही हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि क्लियर द एयर, कोई कंफ्यूजन मत रखो, स्टॉप द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज टिल द लॉकडाउन हैज बीन इम्पोज. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के ऊपर स्टॉप इसलिए लगाया गया है जिससे कि धूल मिट्टी ना उड़े और ज्यादा पोल्यूशन और ना वर्स हो, राइट. डिस्पाइट द रीइम्पोज किया गया है ऑफ अ बिल्डिंग बैन, बिल्डिंग बैन लगाया गया कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज रुक जाएंगी क्योंकि पोल्यूशन ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है. बैर सुप्रीम कोर्ट क्यों? क्योंकि पोल्यूशन की हालत ठीक करनी है. पोल्यूशन की आयरन ग्रिप, मतलब पोल्यूशन जाने का नाम नहीं ले रहा है, आयरन ग्रिप बनाई हुई है, बहुत टाइट ग्रिप बना रखी है, जाने का नाम नहीं ले रहा है. क्लियर, बस ये एक बात थी, क्लैमर का मतलब क्लियर, द एयर का मतलब बताना था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सेंटर को गाइडलाइंस दी है. फिर द गवर्नमेंट डज नॉट कलेक्ट एनी इन्फॉर्मेशन ऑन क्रिप्टो करेंसी. अब एक क्रिप्टो करेंसी के ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कुछ बात बोली है, कोई बात आई है. गवर्नमेंट जो है कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करती है ऑन क्रिप्टो करेंसी, राइट. सो बिटकॉइन ट्रांजेक्शन क्या हो रही है गवर्नमेंट इन्फॉर्म्ड नहीं है और एंड हैज नो प्लान्स टू रिकॉग्नाइज बिटकॉइन एज अ करेंसी. ये किसने बोला है? फाइनेंस मिनिस्ट्री. फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन है. शी इज द फर्स्ट फुल टाइम वुमन फाइनेंस मिनिस्टर. निर्मला सीतारमन जो फर्स्ट फुल टाइम वुमन फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी 2019 में, उन्होंने बोला है कि कोई प्लान्स नहीं है फिलहाल रिकॉग्नाइज करने के बिटकॉइन को एज अ करेंसी. फाइनेंस मिनिस्ट्री से स्टेटमेंट आई है, आप समझो ऑफिशियल से आई है. तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, राइट. अभी हम लोग बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हो रहे थे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर. रिस्पॉन्डिंग टू सेपरेट क्वेरीज फ्रॉम लोकसभा एमपीज, अगर हम बात करें बूमिंग ट्रेड, बूमिंग मीन्स जो इंक्रीज कर रहा है, बढ़ता जा रहा है क्रिप्टो करेंसी का, वेदर गवर्नमेंट हैज लीगली परमिटेड देयर एक्सचेंजेस, क्या उनका एक्सचेंज ठीक है, बिटकॉइन एक्सचेंज या फिर क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज क्या ठीक है. द मिनिस्ट्री सेड क्रिप्टो करेंसी इज अनरेगुलेटेड है, रेगुलेटेड नहीं है इन इंडिया एंड इट डज नॉट कलेक्ट एनी इन्फॉर्मेशन. क्या इन्फॉर्मेशन है उनकी ट्रेडिंग पर? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अनरेगुलेटेड है. देयरफॉर वी कांट रियली से व्हाट इज द करंट सिचुएशन. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का नाम देखो आ गया, शक्तिकांत दास. इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो इट. ही हैज बीन रेजिंग सीरियस कंसर्न्स, काफी उन्होंने बात करी है क्रिप्टो करेंसी के बारे में इन कंटेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स दैट विल इफेक्ट द इकोनॉमी एज अ होल. मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी एज अ होल को इफेक्ट करेगी, ऑल द प्रोडक्शन, ट्रेड, बिजनेस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड हैज कॉल्ड फॉर मोर वेल इन्फॉर्म. अभी वेल इन्फॉर्म डिसीजंस वी आर अवेटिंग, अभी आएंगे फिर अंडरस्टैंड करेंगे डीपर इश्यूज, क्या क्या डीपर इश्यूज इन्वॉल्व है, ये सब डिस्कशन हो रहा है. गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी सेड दैट इट हैज प्लान्स टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी इफ नॉट बैन इट, राइट. बैन नहीं कर सकते, इतने करोड़ रुपीज ऑलरेडी इसके ऊपर एसेट्स लगे हुए हैं, दे कांट बैन इट. बहुत सारी जॉब्स चल जाएंगी, बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए करंटली क्या हो रहा है, बस इसको रेगुलेट करने की बात हो रही है. वी आर अवेटिंग, बिल अवेटेड है, वी आर वेटिंग फॉर इट. जब आ जाएगा तब जाकर हम उसे डिस्कस कर रहे होंगे. नेक्स्ट देखते हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम इन 16 इयर्स जर्मनी के पास एक सोशल डेमोक्रेट एज चांसलर होगा. अब जर्मनी का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में तो एंजेला मर्केल आता है, एंजेला मर्केल आता है. अब एंजेला मर्केल स्टेप डाउन कर रही है, एरा उनका खत्म हो गया है. फॉर द फर्स्ट टाइम 16 साल में जर्मनी के पास एक सोशल डेमोक्रेट होगा एज चांसलर विथ 3 parties फ्रॉम ऑपोजिट एंड्स. ठीक है, अग्री कर रहे हैं कि कोलिशन फॉर्म करेंगे एंड दैट विल एंड एरा ऑफ एंजेला मर्केल. एंजेला मर्केल का एरा खत्म हो रहा है. इन द रन अप टू द इलेक्शंस नॉट मेनी एक्सपेक्टेड कि ओलाफ कॉल्स, ओलाफ कॉल्स नाम है याद रखना, ओलाफ कॉल्स एस साइलेंट होगा, लीडर है ये किसके? सोशल डेमोक्रेट है, तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर है एसपीडी जिसे बोलते हैं. ई इज अ जूनियर पार्टनर है ये मर्केल के कोलिशन में एंड ही वुड सक्सीड हर. बस कौन है क्या नहीं है, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, एंजेला मर्केल का एरा खत्म हो रहा है, स्टेप डाउन कर रही है. कौन आ रहा है? सोशल डेमोक्रेट आ रहा है. नाम क्या है? ओलाफ कॉल्स है, ये पता होना चाहिए. फिर द एसपीडी जर्मनी की ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी भी है, ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी का बंदा है वो. दैट प्लेस इटसेल्फ एज अ सेंट्रिस्ट,
प्लेटफॉर्म विद द फोकस ऑन सोशल सिक्योरिटी मेजर्स. इसने बहुत ज्यादा आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं. मिस मार्कल एमर्ज एज अ कंट्रीज क्विंटेसेंशियल सेंट्रिस्ट लीडर. ये एक क्विंटेसेंशियल सेंट्रिस्ट लीडर रह चुकी है. क्विंटेसेंशियल मींस अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ समथिंग जिसको तुम आगे एक आइडल मानोगे, राइट. तो एक टिपिकल परफेक्ट एग्जांपल, एक क्वालिटी, एक क्लास रही है उनकी, तो एक क्विंटेसेंशियल लीडर रही है ये, राइट. बस इतना ही था इसमें. देखते हैं, द इंडियन रेलवे इज कंस्ट्रक्टिंग वर्ल्ड का टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज. पियर आ रहा है, पहले भी न्यूज में था, फिर से न्यूज में आया है. कहां आ रहा है ये? मणिपुर में आ रहा है. पियर हाइट 141 मीटर्स है. इंडिया में आ रहा है. क्यों? एक क्या चल रहा है, देखो, एक प्रोजेक्ट चल रहा है ऑलरेडी. प्रोजेक्ट का नाम है जिरीबम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट. इम्फाल मणिपुर की कैपिटल है, ठीक है. मणिपुर के सीएम कौन है? मणिपुर में आ रहा है ना ये. मणिपुर के सीएम है एन बीरेन सिंह. एन बीरेन सिंह, राइट, इंपॉर्टेंट. द इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्ट करी है वर्ल्ड का टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज. वर्ड समझना, वर्ल्ड का टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज है प्योर अक्रॉस रिवर इलजाई, ठीक है. एंड नियर नोनी वैली आ रहा है एट अ हाइट ऑफ सो एंड सो इन मणिपुर. हाइट इतनी नहीं पूछी जाती है. प्रोजेक्ट चल रहा है ऑलरेडी, जिरीबम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट देखते हैं. अब कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स के लिए मैंने ये न्यूज डाली है ऑलरेडी. वैसे ये दिस न्यूज डजंट मेक एनी सेंस, बट वोकैबुलरी हम मैंने ये डाली है. बजरंग दल एक्टिविस्ट बार्ज इनटू प्रेयर हॉल. बार्ज मींस गंदी तरीके से, एकदम बेकार तरीके से अंदर घुस जाना, रफली, राइट. रफली यू गेट इनटू इट, रफली मेक एन एंट्री, राइट. देन पैडी स्टोरेज टू बी ऑगमेंटेड. ऑगमेंटेड मींस किसी की चीज इंक्रीज कर देना. To do it at a good pace, to increase it is augmenting. Augmenting means increase कर देना. फिर fishers seek solatium. Solatium क्या होता है? एक financial compensation होती है for lightning victim. एक इंसान की death हो गई lightning से, so वो solatium मांग रहे. Solatium means compensation, mostly financial monetary compensation होती है. अब देखते हैं सम मिसलेनियस न्यूज. कुछ मिसलेनियस न्यूज देख लेते हैं. नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे 27 नवंबर को होता है. ऑल्दो वी आर डूइंग 30th नवंबर, बट ऑर्गन डोनेशन डे ना बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा था. आई हैवंट कवर्ड बिफोर, सो आई एम कवरिंग इट नाउ. कि ऑर्गन डोनेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 27th ऑफ नवंबर. यू शुड नो इट. नन ऑफ माई स्टूडेंट शुड बी लाइक वी डोंट नो व्हेन इज नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे. याद रखना, हमें ऑर्गन डोनेट करना है तो 27th नवंबर को करना है. यू कैन रिमेंबर दीज डेज बाय वे ऑफ, तुम्हें किसी को जानते होगे इसका बर्थडे आसपास होगा, या नवंबर में किसी का बर्थडे होगा, ऐसे मेमोराइज कर सकते हो. ये अच्छा मेमोराइज करने का अच्छा तरीका होता है कि ऐसे नवंबर में उसका बर्थडे होता है, नवंबर में ही ऑर्गन डोनेशन डे होता है, नवंबर में ये वाला डे होता है, ऐसे तुम याद कर सकते हो, है ना. नवंबर 29th मैंने तुम्हारे साथ कवर किया था, वो जो पैलेस्टीनियन के साथ सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल, जिसमें मैंने रेजोल्यूशन की बात भी करी थी. तो वो हम कर चुके हैं. बस नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये डे सेलिब्रेट होता है कि कितने ऑर्गन्स अभी भी, यू नो, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑर्गन डोनेटर एंड फर्स्ट इज यूएसए, सेकंड इज चाइना, बट इंडिया बहुत लैग कर रहा है. अभी भी ऑर्गन डोनेशन ऐसा नहीं होता है, अच्छे से नहीं होता है. पीपल आर इन मिथ्स, उनको वो किसी मिथ्स में रहते हैं एंड दे डोंट डोनेट ऑर्गन्स, राइट. You should be donating your eyes, your organs donation करना चाहिए once a person expires. But a lot of people are in myths, तो वो लोग नहीं करते हैं. And you should be doing it. So ये एक awareness create करने के लिए organ donation day celebrate होता है. Next news देखते हैं. परमजीत कुमार first power lifter बन गए हैं. He's a man, 49 kg category में. इनको कितना मिला है? इनको ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने. न्यूज क्यों है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इंडिया से है. इन्होंने एक मेडल जीता है वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स में. वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स में डिफरेंटली एबल्ड के लिए होता है. एंड परमजीत कुमार हैज वन, ही हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू डू सो. ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है 49 kg कैटेगरी है. फिर एस माउंटेनियर हर्ष वंती बिश्त इलेक्टेड एज फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट बन गई है. फर्स्ट वुमन, वुमन से रिलेटेड जो भी न्यूज होती है इंपॉर्टेंट होती है. बायस समझ लो, आर्टिकल 14 इन्फ्रिंज हो रहा है, ये समझ लो वायलेट हो रहा है. बट हाँ, वुमन से रिलेटेड न्यूज इंपॉर्टेंट रहती है. कहा जाता है कि वुमन एम्पावरमेंट की बात हो रही है तो वो न्यूज इंपॉर्टेंट रहती है. एस माउंटेनियर, एस मीन समवन हू इज अ परफेक्ट है, क्विंटेसेंशियल, राइट. सो एस फ्लॉलेस एस माउंटेनियर हर्षवंती बिष्ट इलेक्ट हुई है फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन माउंटेनियर फाउंडेशन. इंडियन माउंटेनियर फाउंडेशन IMF बोलते हैं, फर्स्ट वुमन है जो सिलेक्ट हुई है एज प्रेसिडेंट, वुमन प्रेसिडेंट, राइट.
फिर नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, द फर्स्ट कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC. देखो ये जो न्यूज थी ना एस माउंटेनियर वाली, दिस वॉज नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस बिकॉज IMF न्यूज थी कि IMF इंडियन माउंटेनियर फाउंडेशन की फर्स्ट वुमन प्रेजिडेंट बन गई है. सो दिस IMF इज नॉट सच एन इम्पोर्टेंट बॉडी. इम्पोर्टेंट बॉडीज विल बी वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ऑल ऑफ दीज विल बी इम्पोर्टेंट. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर इम्पोर्टेंट बॉडीज. IMF, इंडियन माउंटेनियरिंग फंड इज नॉट इम्पोर्टेंट. बट सिंस इसमें वुमन इन्वॉल्व है, फर्स्ट वुमन प्रेजिडेंट बनी है, तो ये दिस कैन मेक सम सेंस एंड यू शुड नॉट मिस ऑन टॉपिक्स जो थोड़े भी सेंस बनाता है, तो हमें वो करने ही है, राइट? चलो इसलिए फिर मैंने ये न्यूज प्रेजेंट कर दी तुम लोग के सामने. द फर्स्ट कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC फोकस्ड ऑपरेशन, एक फोकस्ड ऑपरेशन हुआ है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव नाम करके. एंड इसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया था? ट्रायलेटरल मैरिटाइम थी, ठीक है, ट्रायलेटरल मैरिटाइम सिक्योरिटी एजेंसी कौन कौन सी थी? इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया था, मालदीव्स ने किया था, मालदीव्स की नेशनल डिफेंस फोर्सेज ने, एंड SRI श्रीलंका नेवी ने किया था. तो मालदीव्स, इंडिया एंड श्रीलंका, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव था, ये फोकस्ड ऑपरेशन था. इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, नाम याद रखना. अब तुम लोग को पता है हु इज आवर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? इफ यू नो करमबीर सिंह, तो तुम अभी अपडेटेड नहीं हो. करमबीर सिंह थे, अब ए हरी सिंह थे, अब कौन आ गए हैं? ए हरी कुमार, चीफ एडमिरल बोलते हैं, चीफ एडमिरल ए हरी कुमार. पहले वो वाइस थे, अब वो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हो गए हैं, राइट? ऐसे ही तुम्हें सिमिलरली यू शुड ऑल्सो नो अबाउट द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. ही इज डिफेंस फोर्सेस के चीफ हैं बिपिन रावत जी. चीफ ऑफ एयर के हैं विवेक राम चौधरी. चीफ ऑफ आर्मी के हैं मनोज मुकुंद नरवाने, MM नरवाने जी ने बोलते हैं, ठीक है? जैसे मुझे याद है तुम लोग भी याद कर सकते हो, इट्स नॉट डिफिकल्ट. एक दो बार करोगे तुम्हें याद हो जाएगा, राइट? द प्रेसिडेंट ऑफ जेच रिपब्लिक, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं. प्रेसिडेंट ऑफ जेच रिपब्लिक मिलोस जीमन अपॉइंटेड पीटर फियाला. पहले तो प्रेसिडेंट पता होना चाहिए, देखो नाम थोड़े ऊटपटांग है, बट दे टेंड टू आस्क यू, क्वेश्चन आ जाते हैं. प्रेसिडेंट जेच रिपब्लिक के मिलोस जीमन has appointed Peter Fiala as new PM. New PM बन गए हैं, कौन प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं? Peter Fiala. Czech Republican Milos Zeman is already the president. तो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है प्राइम मिनिस्टर. इन्होंने सक्सीड किसको किया है? सक्सीड किया है एंड्रिज बैबिस को. एंड्रिज बैबिस काफी न्यूज में थे, उनको सक्सीड करके अब कौन आ गए हैं? Peter Fiala आ गए हैं. एक दो बार पढ़ोगे तुम्हें नाम याद हो जाएंगे. Peter Fiala is the new prime minister. रिप्लेस किया है एंड्रिज बैबिस को. एंड प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट इज मिलोस जीमन, राइट? आई टेल टू रिपीट 1 to 2 times जिससे कि तुम लोग को भी याद हो जाए, राइट? फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रांटेड इट्स अप्रूवल टू लाइफ इंश्योरेंस. LIC अपना स्टेक बढ़ा रही है. स्टेक कितना कर रही है? 9.99% कर रही है कोटक महिंद्रा बैंक में. LIC इन्वेस्ट कर रही है कोटक महिंद्रा बैंक में. अब तो LIC का भी IPO आ रहा था, है ना, 100% इसकी प्राइवेटाइजेशन हो रही है LIC की. सो ये न्यूज में था बस. LIC 9.99% स्टेक ले रहा है कोटक महिंद्रा बैंक में. रेनाउंड अवार्ड विनिंग कोरियोग्राफर एंड एक्टर थे के शिवाशंकर जो थे. ही हैज पास्ड एट एज ऑफ 72 years. इंपॉर्टेंट, रेनाउंड नेशनल अवार्ड विनिंग है ये. नेशनल अवार्ड विनिंग कोरियोग्राफर है के शिवाशंकर. एंड एट एज ऑफ 72 years ही हैज पास्ड अवे इन हैदराबाद तेलंगाना. 28 November जो है 73rd NCC क्या होता है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स. तुम्हें पता है कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? कॉर्प्स जो मैंने लिखा नेशनल कैडेट कॉर्प्स, कॉर्प्स क्या होते हैं? कॉर्प्स एक सब डिविजन होता है, सब यूनिट होता है या डिविजन होता है आर्मी का, राइट? एक और होता है कॉर्प्स ई लगा होता है, ये डेड बॉडी होती है. कॉर्प्स इज अ डेड बॉडी, ये कॉर्प्स ई वाला, राइट? चलो नेक्स्ट देखते हैं. जैसे कैसे वोकैबुलरी वर्ड्स निकल के आते हैं, कितना मजा आता है इन्हें पढ़ने में. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नरोत्तम सेक्सारिया. सेक्सारिया फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, फाउंडर, प्रमोटर, चेयरमैन, क्या नहीं किया इन्होंने. नरोत्तम सेक्सारिया, इनका नाम याद रखना. अंबुजा सीमेंट के ये चेयरमैन, फाउंडर, प्रमोटर रह चुके हैं. इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है. ऑटोबायोग्राफी अपनी स्टोरी बताते हुए, नाम क्या है बुक का? द अंबुजा स्टोरी, हाउ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी.
ऑर्डिनरी मैन ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनी बनाई है, अंबुजा सीमेंट्स काफी फेमस कंपनी है। इन्होंने एक बुक ऑथर करी है अपनी ऑटोबायोग्राफी, बताते हुए ऑटोबायोग्राफी मीन्स वेयर यू राइट अबाउट योर ओन, ऑटो मीन्स योर सेल्फ, ऑटोबायोग्राफी करी है। ये रिलीज होगी दिसंबर 2021 में, ये बुक न्यूज में थी तो मैंने तुम्हारे साथ शेयर कर दी है। आई होप दिस वीडियो हैज मेड सेंस, समझ आया होगा। एंड एनीथिंग दैट्स अनक्लियर डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। Feedback, suggestion, everything is more than welcome. You like the video, you can like it. If you don't like the video, you can dislike it as well. And do tell me in the comment box, what more do you expect from me, right? And I hope this was useful. And take care. Bye-bye. We can get connected through my Instagram. Yeh mera Instagram handle hai. You can DM me for all of your queries. I will be taking personal sessions. For all the students out there who need my guidance, I will be there for all the 3-year law entrance exam. Entrances, aspirants jo hai for 5 years as well, right? And you can also message me on Telegram. Telegram channel aap mujhe join kar sakte ho. Aapko PDF sara material at one place mil jayega. And you can write it to me on my mail ID as well. In case you have any query, I will respond to you. One thing is very important I want to tell you. November month ends here. We'll start with 1st of December from tomorrow. And you can keep watching the videos. And full compilation of November month will be made available to you on my Telegram channel. Maybe I'll be taking best 200, best 500 questions from November month and I'll roll out a video for the same. All right. Take care. Bye-bye. I'll see you soon and keep watching my videos.